हेलो 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 जी, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने हरियाली के बीच श्वेता आखिर कर क्या रही है। वेल, आज मैं जिस जगह आई हूँ उस जगह को 2015 में मिसेस संयुक्ता बानिक ने शुरू किया था एक छोटी सी बेकरी के साथ अपने घर पे, और इतने अमेजिंग रिस्पॉन्ड के बाद उन्होंने अपने बेटे के साथ इस बेकरी को और एक्सटेंड करते हुए कैफे में कन्वर्ट किया। एंड उस कैफे का नाम है द बेकर्स नेस्ट और ओनली बेकर्स नेस्ट। वाउचिंग की इनका फूड क्वालिटी एंड क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है, वो तो हम अंदर जाके देखेंगे। वेल, इनका तीन सेक्शन है, एक है इंटीरियर सिटिंग सेक्शन, एक है आप बाहर बैठ सकते हो, और एक बहुत अमेजिंग प्लेस है जो मैं आपको दिखाऊंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं सुपर एक्साइटेड हूँ और मुझसे वेट नहीं हो रहा, तो चलिए मेरे साथ अंदर जल्दी जल्दी टू एंजॉय द व्यू एंड द फूड ऑफ दिस प्लेस। सो चलो जल्दी अंदर। सो मेरे पीछे जो एरिया आप देख रहे हो, मैं उसी की बात कर रही थी। वेल, अगर इस एरिया का लुफ्त उठाना है सो डू कम इन द इवनिंग। वेल, मैं अपने इस वीडियो में इस जगह का एक इवनिंग क्लिप डाल दूंगी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये कितना ब्यूटीफुल लग सकता है। ओके, सो द फर्स्ट आइटम इज अ स्टार्टर जो मैंने ऑर्डर किया है, विच इज मशरूम चीज बॉल। अब आप सोच रहे होंगे मशरूम चीज बॉल्स में ऐसा क्या है, आप लोग ने कई जगह खाए होंगे, बट ट्रस्ट मी दिस वन इज इनक्रेडिबल। यहाँ 6 पीसेस थे, 2 पीसेस ऑलरेडी गायब हो चुके हैं। आई कुड रेजिस्ट माई सेल्फ, एक मैंने खा लिया और एक मेरे फ्रेंड तमगन ने। एंड क्यों ये इनक्रेडिबल है मैं आपको दिखाती हूँ द रीजन। एक तो पहले आप इसका साइज देख लो, आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं। एंड लिटरली वैन यू ब्रेक दिस, हाँ, तो इन्होंने देखो पूरा एक गोटा पीस दिया है, यू सी मशरूम का। ये देखो, आप देख सक रहे हो, ये पूरा एक प्रॉपर मशरूम, ऐसा नहीं उन्होंने हाफ काट कर दिया है, प्रॉपर पूरा मोटा सा मशरूम है। एंड उसमें ना थोड़ा सा चीज भी है, चीज, एंड यू कैन सी दिस, बहुत सॉफ्ट इफेक्ट दे रहा है। एंड जब मैंने इसे खाया, ट्रस्ट मी, इट वॉज मेल्टिंग इन माई माउथ। यू नो, मैं आपको ये दिखा सकती हूँ, ये देखो इतने आसानी से ये तो ये टूट रहा है। ओह गॉड, दिस इज हेवन। It's just melting in your mouth. Incredible. So, if you are veg, non-veg, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर यहाँ आ रहे हो तो स्टार्टर में ये आइटम एक बार मंगवा कर आप खाओ। I can bet आपने ऐसा कभी कहीं और नहीं खाया होगा। Well, स्टार्टर तो हो गया, अब मेन कोर्स के लिए I have ordered पनीर ऑबजन मोज़रेला। अब ये चीज है क्या? Well, ये इन्होंने अपना एक बेकर्स नेट स्पेशल आइटम बनाया है, विच इज़ काइंड ऑफ टर्किश का इन बेस्ड है। वहाँ पे दे यूज़ बीफ, बट यहाँ ऑब्वियसली दे कांट यूज़ बीफ, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, एग प्लांट यानी कि ब्रिंजल के अंदर इन्होंने, आप देखो, ऐसे स्टफ किया है पनीर को। अगर आप थोड़ा सा अप क्लोज आओ तो देख पाओगे, इन्होंने इस तरह से यू नो पनीर को स्टफिंग किया है, ऊपर से आप देखो ये चीज डाला है इन्होंने, एंड इसको सर्व किया है स्टीम्ड राइस एंड सब पोटैटो वेजेस के साथ। सो नाउ एज यूजुअल, ये कुछ बहुत ही अलग आइटम है जो फर्स्ट टाइम मैं खुद ट्राई करने वाली हूँ। सो चलिए ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। वाओ, ये कुछ वाकई बेहतरीन फ्यूजन है जिसे खाकर ना बहुत अच्छा लग रहा है।
ये थोड़ा सा टैंगी है, काइंड ऑफ स्पाइसी है, आपके मुंह में डेफिनेटली मेल्ट कर जाएगा बिकॉज इसके पनीर एंड यू नो चीज़ और पनीर का जो फ्यूजन है आपके मुंह में मेल्ट कर जाएगा. बट यू नो आफ्टर अफेक्ट इसका ना यहाँ पे तीखा फील आ रहा है विच इज़ लाइक अमेजिंग. एंड मैं इसको थोड़ा सा राइस के साथ भी ट्राई करती हूँ, लेट्स सी कैसा लगता है. नाइस आ, दिस इज समथिंग आई एम हैविंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ट्रस्ट मी इट्स ऑसम. मैंने अपने आप पे ट्रस्ट नहीं किया बट आफ्टर हैविंग दिस मुझे लगता है कि नहीं, मैंने जस्टिस किया है. और ये आइटम मंगवा सकते हो आप लोग अगर आप बेकर्स नेस्ट आ रहे हो. दिस इज लाइक अ थम्स अप फॉर मी. सो ये हमारा लास्ट डेजर्ट आ चुका है विच इज द बेक अलास्का. वेल उसके पहले आप एक छोटा सा क्लिप देख कर आइए जो मैंने लिया है एंड इट इज सो 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 अमेजिंग. वेल आपको क्लिप कैसा लगा, आई एम श्योर बहुत अच्छा लगा होगा. वेल इसके अंदर है फ्रूट आइसक्रीम केक स्पंज, उसके ऊपर है ये क्रीम जिसको उन्होंने वो फायर से थोड़ा सा लाइक यू नो दे हैव गिवन दैट टेस्ट दैट टच. एंड साइड में यू नो आई कैन सी द कैरमल ऑल्सो, इन्होंने कैरमल दिया है. ये देखिए कैरमल भी है. अब लेट मी डिग इन. आहा ये इतना सॉफ्ट है. अमेजिंग फ्रूट क्रीम कैरमल. ओहो आज मैंने जितने कुछ आइटम्स ट्राई किए हैं honest review, they are awesome. Please I'll recommend all these three items. If you're ever coming from like you're ever coming to Baker's Nest, please ye teeno item try kijiye. Ab mujhse ruka nahi ja raha bhaiya, I'm gonna dig in to this beautiful dessert. Aur main aapko milti hu thodi der baad. जैसा मैंने आपसे कहा था अबाउट दिस प्लेस कि मैं इसका क्लिप डाल दूंगी, फिर क्लिप तो मैं डाल दूंगी पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना आउट यहाँ से ही बैठ कर दूँ. वेल उसके पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूँगी कि द लास्ट आइटम द बेक अलास्का जो मैंने ट्राई किया वो आप लोग को देख के कैसा लगा. वेल मैंने तो उसे खाया है, मुझे खाकर भी वो काफ़ी अच्छा लगा. एंड इन द एंड मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये अमेजिंग प्लेस अमेजिंग वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड आई विल सी यू ऑल वेरी 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 सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आई विल से बाय बाय.